हेलो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है ढाबा स्टाइल मटन और इसका मैंने दूसरा नाम रखा है तड़का मटन। तीन मीडियम साइज़ प्याज ले लें। मटन की क्वांटिटी हाफ के जी थी, अगर एक के जी आप बनाओगे तो पांच प्याज ले लेना। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, रेसिपी बहुत ही इजी है और मटन जो बनता है काफ़ी कमाल का बनता है, अलग सा टेस्ट होता है इसका। दो छोटा टुकड़ा अदरक लेना है, लहसुन लेना है और हरी मिर्च, इन तीनों का कूट कर अच्छा से पेस्ट बना लें। खड़े मसाले में ये सारी चीज़ें लेनी है आपको। इस बार इस स्टेप में आप धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था। चलिए अब बारी है मटन को मैरिनेट करने की, तो हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक और दही डाला है। दही की जगह हम नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मैंने सिर्फ सेम डे ही बनाया था। हल्का सा मटन को भून लेना है, इसके बाद आपको इसमें पानी डालना है, पानी बहुत ही कम डालना है, वैसे भी मटन विद टाइम पानी छोड़ता है, और इतना पानी डालें कि मटन के सारे पीसेस जस्ट डूबें। चलिए अब मीन वाइल हम तैयारी कर लेते हैं तड़के की। तो चॉपर से मैंने प्याज कट कर लिया है, यहाँ पे डेढ़ टमाटर ले लीजिएगा। अब देखिए मेन है कि खड़ा जीरा और खड़ा धनिया लेना है, तो खड़े धनिया को हमने हल्का सा कूट लिया था। तेल के गर्म होते ही खड़ा जीरा डाला, फिर उसके बाद खड़ा धनिया डाला, चॉप्ड अनियन डाला, उसके बाद चॉप्ड टमाटोज। टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से भुन चुका है, इसमें डालेंगे अब एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें इसमें। उस तरफ कुकर में जो मटन पक रहा था वो कुछ इस तरीके से था उसका लुक, तो अब देखिए अच्छे से गल चुका है, पक चुका है ये सही से। इसमें जो मसाला हमने तैयार किया उसको इसमें डाल दिया, यानी कि तड़के को डाल दिया इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें गरम मसाला मिलाएंगे जो घर का बना हुआ था। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद थोड़ी देर रख दिया 10 मिनट, उसके बाद ये रेडी है फाइनली। तो काफ़ी अलग सा टेस्ट था, आप ज़रूर ट्राई करिए, हमें कमेंट में बताइए।